वुमेन्स आईपीएल 2023 का चौथा मैच मुंबई इंडियंस वर्सेस आरसीबी के बीच खेला गया। एमआई वर्सेस आरसीबी हाइलाइट्स में आपका स्वागत है। आरसीबी पहले बैटिंग करते हुए स्मृति मंदाना और सोफी डिवाइन बतौर ओपनर उतरे आरसीबी के लिए और मुंबई के लिए पहला ओवर डाला हैली मैथ्यूज ने। हैली मैथ्यूज के इस ओवर में दूसरी गेंद पर स्मृति मंदाना लगाई एक शानदार कवर ड्राइव, जो कि बहुत ही अच्छा शॉट स्मृति मंदाना के बल्ले से दिखा और बहुत ही अच्छे टच में स्मृति मंदाना पहली बॉल से ही लगी। दूसरे शॉट पर सोफी डिवाइन ने भी अपना खाता चौके के साथ खोला और बहुत ही बढ़िया शॉट सोफी डिवाइन ने लगाया। पहला और बहुत बढ़िया रहा आरसीबी के लिए। सोफी डिवाइन और स्मृति मंदाना बैटिंग करते हुए अच्छा स्टार्ट दिया आरसीबी को। एक स्मृति मंदाना अच्छे टच में लग रही थी और काफ़ी बढ़िया बढ़िया शॉट्स खेल रही थी। सोफी डिवाइन भी बहुत ही बढ़िया खेलती हुई नजर आई। आरसीबी के लिए एक अच्छा स्टार्ट रहा इस मैच का। सोफी डिवाइन भी काफ़ी अच्छा खेल, दो बॉल में 10 रन बना दिए सोफी डिवाइन ने और मंदाना एक छोर पर अच्छी सूझबूझ वाली पारी खेल रही थी। आरसीबी के लिए एक अच्छा स्टार्ट और मुंबई थोड़ी निराश नजर आ रही थी। हरमनप्रीत कौर सोच रही थी कि दोनों को कैसे आउट किया जाए। दोनों ने पावर प्ले का अच्छा फ़ायदा उठाया और दोनों अपने अपने शॉट्स खेल रही थी स्मृति मंदाना और सोफी डिवाइन। स्मृति मंदाना तो बहुत ही बढ़िया टच में लग रही थी और बाउंड्री रन लगा रही थी। सोफी डिवाइन भी एक छोर पर अच्छा खेल रही थी। मुंबई इंडियंस के बॉलर्स को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया था चार ओवर में, पर चार ओवर में 35 रन बना दिए थे आरसीबी ने, कोई नुकसान नहीं था। पर चार ओवर के बाद इशाक किस बॉल पर सोफी डिवाइन का शॉट और कैच आउट हो गई सोफी डिवाइन इशाक किस बॉल पर और आरसीबी को लगा पहला झटका। सोफी डिवाइन चलती बनी, सोफी डिवाइन 16 रन बनाकर आउट हो गया था बॉल में। उसके बाद कसाद बैटिंग के लिए आई और कसाद पहली ही बॉल पर बोल्ड हो गई, इशाक को मिली दूसरी सफलता। इशाक ने बोल्ड कर दिया कसाद को और तीसरा कसाद 0-0 पर आउट हुई और उसके बाद तो जैसे आरसीबी की विकेटों की झड़ी सी लग गई। दूसरे छोर पर हैली मैथ्यू ने स्मृति मंदाना को भी आउट कर दिया, कैच आउट करवाया स्मृति मंदाना को हैली मैथ्यू ने। हैली मैथ्यू के लिए सफलता और स्मृति मंदाना को वापस जाना होगा। हरमनप्रीत देख के काफ़ी कुछ नजर आती हुई स्मृति मंदाना 17 बॉल में 23 रन बनाकर आउट हुई। उसके बाद क्रीज पर आई हैदर नाइट और हैदर नाइट भी पहली बॉल पर आउट हो गई। हैदर नाइट मैथ्यूज का शिकार बनी हैदर नाइट। आरसीबी काफ़ी ट्रबल में आ गई, लगातार 4 विकेटें खो दी आरसीबी ने। उसके बाद बैटिंग पर आई रिचा घोष और एलिस पैरी और रिचा घोष ने पारी को संभालने की कोशिश की। एलिस पैरी ने एक बहुत ही बढ़िया छक्का लगाया और रिचा घोष भी दूसरे छोर पर अच्छा खेल रही थी। दोनों ने पारी को संभालने की कोशिश की आरसीबी के लिए। दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी हो रही थी और रिचा घोष ने काफ़ी बढ़िया बढ़िया शॉट्स भी दिखाए और एलिस पैरी भी दूसरे छोर पर अच्छा खेल रही थी। पर इस रन आउट के चलते एलिस पैरी को वापस जाना हुआ। डायरेक्ट हिट के चलते एलिस पैरी आउट हुई। इस डायरेक्ट हिट के चलते एलिस पैरी 7 बॉल में 13 रन बनाकर आउट हो गई। रिचा घोष एक छोर पर खड़ी हुई थी कनिका बैटिंग करने के लिए आई उनके साथ। रिचा घोष अच्छा खेल रही थी और कनिका ने भी एक दो शॉट्स दिखाए और विश्वास जताया। आरसीबी की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी और कनिका भी इस बॉल पर आउट हो गई। पूजा वस्त्रकर की इस गेंद पर कनिका 13 बॉल में 22 रन बनाकर आउट हुई कनिका आहूजा। के बाद बैटिंग पर आई श्रेयंका ने पहली बॉल पर चौका लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। रिचा घोष ने इस बॉल पर आउट हो गई। रिचा घोष बड़ा शॉट लगाना चाहती थी और 26 बॉल में 28 रन बनाकर रिचा घोष भी आउट हो गई और आरसीबी काफ़ी ट्रबल में आ गई। 7 विकेट गिर चुके थे आरसीबी के। उसके बाद क्रीज पर आई मैगन शूट और श्रेयंका ने एक साझेदारी की, पर आरसीबी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई खास और आरसीबी अपने निर्धारित 20 ओवर भी नहीं खेल पाई। ऑल आउट हो गई आरसीबी, 155 रन ही बना सकी आरसीबी 155 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रेयंका ने कुछ अच्छे शॉट दिखाए पर इस बॉल के चलते LPW आउट हो गई श्रेयंका। 15 ओवर में 23 रन बनाकर आउट हुई और आरसीबी 155 पर ढेर हो गई 18.4 ओवर में। मुंबई के लिए 156 रन का टारगेट रखा आरसीबी ने। आरसीबी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई और सिर्फ 156 रन का ही लक्ष्य दे पाई और मुंबई के लिए ये टारगेट काफ़ी छोटा नजर आता हुआ। मुंबई का जो बैटिंग लाइनअप है आरसीबी 155 रन पर ऑल आउट हो गई 18.4। मुंबई के लिए हैली मैथ्यूज और यष्टिका वाटिका बतौर ओपनर उतरी। हैली मैथ्यूज ने पहले ओवर में ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए और यष्टिका वाटिका ने भी कुछ अच्छे शॉट्स लगाए। हैली मैथ्यूज तो जैसे बिल्कुल ही मन बनाकर आई थी कि वो बड़ी पारी खेलने के मूड में है। यष्टिका वाटिका भी अच्छी पारी खेल रही थी दूसरे छोर पर यष्टिका वाटिका बनी प्रीति बोस का शिकार। प्रीति बोस ने LPW आउट कर दिया यष्टिका वाटिका को। यष्टिका वाटिया 19 बॉल में 23 रन बनाकर आउट हुई।
उसके बाद क्रिस ब्राइड नतालिया सिल्वरब्रंट हेली मैथ्यूज और नतालिया सिल्वरब्रंट के बीच हुई एक शानदार साझेदारी और मुंबई को ये मैच दोनों ने जितवाए। बहुत ही आसानी से मुंबई ने ये मैच जीत लिया। ये देखिए उनके शॉट्स, हेली मैथ्यूज ने कमाल की 50 लगाई और मुंबई इंडियंस के फैन को बिल्कुल खुश कर दिया। नतालिया सिल्वरब्रंट भी दूसरे चौथ पर काफ़ी अच्छा खेल रही थी और मुंबई को ये मैच बहुत ही आसानी से जितवा दिया। बहुत ही आसानी से मुंबई को जीत मिली और हेली मैथ्यूज की 50 पूरी हुई शॉट के बाद। मुंबई ने बहुत ही डोमिनेंट तरीके से इस मैच को जीता। 15वें ओवर में ही ये मैच मुंबई ने अपने नाम कर लिया और मुंबई तो मैच में से दोनों मैच जीत चुकी है और आरसीबी दो मैच में दोनों हार चुकी है। मुंबई टेबल टॉपर ऊपर हो गई है, उन्होंने अपनी लेगेसी कंटिन्यू रखी है और समृद्धि मनाने के लिए काफ़ी परेशानी का सबक है ये। आरसीबी दो मैच से दो मैच हार चुकी है और ये थी एमआई वर्सेस आरसीबी हाइलाइट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हर मैच की हाइलाइट्स इस चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक्स।